एवरीवन, दिस इज पांडे सिंह, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, नए साल में मेरा फर्स्ट वीडियो है एंड आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, नए साल की बहुत सारी बधाइयाँ। एंड आई विश आप सबकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं नए साल में, सारी पूरी हो जाए। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गो टू द वीडियो। एंड फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड उसके बगल में छोटे से बेल बटन है, अल्सो उसे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहेगा। एंड अल्सो आप मुझे इंस्टा भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टा हैंडल है आई एम पुष्पांजलि सिंह। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो मेरी एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप वॉइस शैम्पू का रिव्यू करो। तो उस टाइम मैं वॉइस शैम्पू यूज़ नहीं करती थी और मेरे को वॉइस शैम्पू के कोई भी आइडिया नहीं था कि कैसा है क्या है। वन मंथ पहले वो मुझसे रिक्वेस्ट की थी। उस टाइम फ्लिपकार्ट पे चल रहा था ऑफ़र और मैं शैम्पू एंड कंडीशनर वहाँ पर 576 रुपीज़ में ली हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मुझे इसी टाइप की पैकेजिंग में रिसीव हुआ था। डब्बे के अंदर डब्बा था और डब्बे में था शैम्पू एंड कंडीशनर। तो मैं इसको मंगवाई थी दिसंबर में ही, या दिसंबर में इसको परचेस करी थी। तो उस टाइम मैं अनबॉक्सिंग करने के टाइम में वीडियो कर ली थी ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि ये किस टाइप के पैकेजिंग में आता है। तो पैकेजिंग तो इसकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से आया है, कोई डैमेज नहीं हुआ है। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊँगी खोल के कि इसका शैम्पू का जो डब्बा है कैसे दिखता है। वैसे गाइस, वाव शैम्पू का पैकेजिंग तो वाव लग रहा है। अब देखते हैं कि शैम्पू वाव है कि नहीं। तो देख सकते हैं ये कितना अच्छा दिख रहा है। तो ये निकला शैम्पू, तो ये इसका शैम्पू है। तो दिखने में तो ये बहुत ही अच्छा है, या तो इस टाइप के पैकेजिंग में आता है ये। एंड ये रहा कंडीशनर, या ये भी दिखने में बहुत अच्छा दिख रहा है। तो देखते हैं कि जितना दिखने में अच्छा दिखता है उतना इसका इससे बेनिफिट है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिए तभी आप समझ पाएंगे कि शैम्पू से बेनिफिट है कि नहीं। तो ऐसे तो ये शैम्पू, ये जो शैम्पू है बिल्कुल एप्पल जैसे ही है एंड इसकी स्मेल जो है बिल्कुल एप्पल जैसे ही आ रही है। बट गाइस, जितना इस शैम्पू की मैं तारीफ सुनी थी, क्या शैम्पू भी उतना अच्छा है? तो आप लोगों को मैं बताऊँगी कि ये शैम्पू को यूज़ करने से फ़ायदा होता है कि नहीं और मुझे फ़ायदा हुआ है कि नहीं, तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मेरे हेयर, आज मैं इसी शैम्पू एंड कंडीशनर से अपना हेयर वॉश करी हूँ। इसको मैं 1 मंथ यूज़ करी हूँ, तो आप देख सकते हैं इतना, तो आप देख सकते हैं इसमें से इतना शैम्पू मैं यूज़ कर चुकी हूँ। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा होगा, मैं खोल के भी दिखा नहीं सकती आप लोगों को। मैं इससे 5-6 बार तो बाल धोई हूँ मैं इससे। तो फ्रेंड्स, इस शैम्पू से मेरे को 2 फ़ायदे हुए एंड 2 नुकसान हुए। तो जो फ़ायदा हुआ मैं आप लोग को पहले बताऊंगी। तो इससे मेरे को जो फ़ायदा हुआ वो है कि मेरे हेयर से जो डेंड्रफ थोड़ी बहुत डेंड्रफ हो गई थी क्योंकि अभी ठंडी चल रहा है, तो मेरे जो डेंड्रफ हो गए थे हेयर में वो ख़त्म हो चुकी है। एंड मेरे जो 1-2 हेयर फॉल हो रहे थे अभी ठंडी में तो वो भी नहीं हो रही है। तो मेरे को इससे 2 फ़ायदा हुआ है कि डेंड्रफ एंड हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम हुआ है वो ख़त्म हुआ। और 2 जो नुकसान हुआ है वो मेरे हेयर से जो लिटिल बिट है जो साइन जो होता है मेरे हेयर का वो कम हो गया एंड ड्राई भी हो गया है मेरा हेयर। यू कैन सी गाइस, ड्राई हो गए लिटिल बिट मेरे हेयर जो है ड्राई हो गए हैं। तो अभी मैं अपना जो फेवरेट मास्क है वो यूज़ करने वाली हूँ। तो मैं कल मास्क यूज़ करूँगी। अगर अभी तक मेरे मास्क का वीडियो नहीं देखा हेयर मास्क का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मेंशन कर दूंगी, आप उससे वहाँ से चेकआउट कर लेना। तो ये शैम्पू आई थिंक, मुझे लग रहा है कि मेरे बालों में ये सीट नहीं किया। सबके हेयर जो है अलग अलग होती है, तो आई थिंक किसी और के बालों में सेट करता हूँ पर मेरे बाल में बिल्कुल से सेट नहीं किया है। इसके बाद मैं ये शैम्पू कभी नहीं यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि मेरा हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया, साइन जो है बिल्कुल कम हो गई है। सो गाइस, कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? आई होप मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। तो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुल गए ब्लैक कलर में मेरे बाल सोनी है।